खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए। राज्यसभा सांसद आरके सिन्हा के नेतृत्व में चलाई जा रही गांधी संकल्प रथ यात्रा गया शहर पहुंची। गया के हृदय असली कहे जाने वाले शहर के टावर चौक पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने गांधी संकल्प रथ यात्रा का जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर टावर चौक के समीप एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें गीत संगीत के माध्यम से गांधी के संदेशों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया गया। इस कार्यक्रम में भाजपा के कई वरिष्ठ नेता व स्थानीय कार्यकर्ता शामिल रहे। कार्यक्रम में शामिल राज्यसभा सांसद आरके सिन्हा ने कहा कि गांधी संकल्प यात्रा महात्मा गांधी के संदेशों का जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। पश्चिमी चंपारण से इस यात्रा की शुरुआत की गई है, जो मुंगेर, शिवहर, बांका, भागलपुर, नवादा, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, जहानाबाद होते हुए गया पहुंची। इसका समापन 30 जनवरी को होगा, लेकिन लोगों की मांग को देखते हुए इसका समय में परिवर्तन किया जा सकता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि गांधी जी ने जो सपना देखा था, उनके सपने को पूरा करने का उद्देश्य देश के बच्चे बुनियादी स्कूलों में पढ़कर सामाजिक परिवर्तन ला सके और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके, यही इस यात्रा का उद्देश्य है। 2 अक्टूबर से प्रारंभ हुई है गांधी संकल्प यात्रा और गांधी जी की पुण्यतिथि 30 जनवरी तक चलेगी। इसका उद्देश्य है गांधी जी के राम राज्य के संदेशों को जनता तक पहुंचाने का और राम राज्य के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन का जो संदेश गांधी जी ने दिया था, उस संदेश को पहुंचाने का और प्रधानमंत्री मोदी जी गांधी जी के इन संकल्पों को पूरा करने के लिए जो ठोस जमीनी कार्य कर रहे हैं उसके बारे में जनता को संदेश। कहाँ से ये शुरू हुई, अभी तक कहाँ तक उद्देश्य सफल हुआ? ये पश्चिमी चंपारण में गांधी जी द्वारा स्थापित प्रथम बुनियादी स्कूल वृंदावन से प्रारंभ हुई और वहाँ से पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, नालंदा, मुंगेर, जमुई, शेखपुरा, बरबीघा और नवादा, पटना ग्रामीण इलाके को समाप्त करके फिर जहानाबाद, मखदूमपुर होते हुए कल रात यहाँ पहुँची। क्या संदेश दी जा रही है? जो गांधी जी के जो संदेश सीधे समाज के गले में उतरने वाले संदेश हैं, जैसे नशाबंदी का संदेश, अस्पृश्यता का संदेश, सफाई का संदेश, स्वच्छता का संदेश, चरखा का संदेश, खादी का संदेश, स्वदेशी वस्तुओं को ग्रहण करने का संदेश, बुनियादी विद्यालयों के माध्यम से स्किल डेवलपमेंट का संदेश जो गांधी जी ने दिया था, ताकि बुनियादी स्कूलों में पढ़कर बच्चे स्वरोजगार के माध्यम से गाँव में एक अपना काम शुरू कर सकें, न कि आज कर के तरह मकाले की शिक्षा में जो बेरोजगारों की फैक्ट्री बना दी गई है विद्यालयों को, महाविद्यालयों को और विश्वविद्यालयों को, उसकी जगह पर बुनियादी शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट जो अभी प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रालय शुरू करके किया है, यही सारे संदेश हम दे रहे हैं। आगे कहाँ कहाँ जाएंगे, कब समाप्त होगी? ये 30 जनवरी को समाप्त होगा, लेकिन अगर जिस तरह से मांग आ रही है तो हो सकता है हम आगे उसको बढ़ाएं भी, क्योंकि गांव-गांव में इस चीज़ को लोग पसंद कर रहे हैं कि सही बात कहने के लिए इसमें कोई राजनीतिक बात कही नहीं जा रही, इसमें सिर्फ वही बात कही जा रही है जो समाज के ज़िंदगी को बदलने की बात है, समाज को छूता है, एक एक घर की बात, वही बात हम कर रहे हैं। प्लास्टिक कैसे हम रोकें और झोला कैसे सिलाएं, अब ये सारी बहुत ही सिंपल बातें हम कर रहे हैं, तो इसलिए ये जनता को ये बात पसंद आ रही है। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।